हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसे मेज़र की जाती है। तो आपको क्या करना है, किसी भी वाटर सैंपल को आपने मेज़र करना है, उसमें से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है। तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैंने ये जो डीओ आपकी बीओडी बॉटल है, बीओडी बॉटल को फिलअप कर दिया। 300 ml की बीओडी बॉटल है, उसमें मैंने वाटर सैंपल ले लिया। फिर मैंने इसमें 2 ml MnSO4 डाल दिया। उसके बाद 2 MnSO4 डालने के बाद आई हैव पुट इन टू बीओडी बॉटल अल्कली आयोडाइड अजाइड सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे देखोगे, जब मैंने 2 ml इसके अंदर अल्कली आयोडाइड अजाइड सॉल्यूशन डाला तो इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो प्रेसिपिटेट क्या इंडिकेट करेंगे, प्रेसिपिटेट जो इंडिकेट करेंगे, जितनी ऑक्सीजन थी वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पे आ गई। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब मैंने ये डाला तो यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के प्रेसिपिटेट बन गए। जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर थी वो सारी क्या हो गई, प्रेसिपिटेट हो गई। फिर मैंने इसको क्या किया, शेकिंग की इसकी। तो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपके प्रेसिपिटेट है, ये सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बहुत सारे आपको सफिशियंट अमाउंट में यहाँ पे प्रेसिपिटेट दिखेंगे। और ये किसके हैं, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के प्रेसिपिटेट हैं। इसके बाद ये देखो प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से आप कहीं भी ये वाटर सैंपल कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी पे, रिवर पे जाके, लेक पे जाके इसको फिक्स कर सकते हो। अब मैं इनको जो प्रेसिपिटेट हैं इनको डिसॉल्व करने के लिए 2 ml इसमें सल्फ्यूरिक 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जितने प्रेसिपिटेट हैं उनको डिसॉल्व कर देगा। तो आप ये कहीं पे भी वाटर बॉडी में, कहीं पे आप रिसर्च कर रहे हो, हाई एल्टीट्यूड पे, लो एल्टीट्यूड पे, बाहर गए हो, वहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बॉटल में फिक्स कर सकते हो, उसको एयर टाइट कर सकते हो। आपकी ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फिक्स होगी। अब आप क्या कर सकते हो, उस बॉटल को लैब में ला सकते हो, और बॉटल को लैब में लाने के बाद इसमें कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है आपने। देखो कितने अच्छे प्रेसिपिटेट बने हैं, तो ये इंडिकेट कर रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो जितने ज़्यादा प्रेसिपिटेट बनेंगे उतनी ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 2 ml कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, जितने हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट थे उनको डिसॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखो डिसॉल्व कर दिया सबको, जितने प्रेसिपिटेट थे। मैंने इसकी शेकिंग की ताकि जितने हमारे प्रेसिपिटेट हैं हम उसको डिसॉल्व कर सकें, और डिसॉल्व करने के बाद ताकि इसकी हम क्या कर सकें, टाइट्रेशन कर सकें। तो टाइट्रेशन के लिए तैयार हो गया आप, ये 300 ml में आपका, 300 ml हमारा वाटर सैंपल था। अब 300 ml की जो बीओडी बॉटल है, बीओडी मतलब आपकी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए हम बॉटल यूज़ करते हैं, तो देखो ये बॉटल है वो, और ये बॉटल जो है अब क्या है, सारे प्रेसिपिटेट इसमें डिसॉल्व हो चुके हैं। डिसॉल्व होने के बाद आपने क्या करना है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से फ्लास्क लीजिए। फ्लास्क आपका मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml ले लीजिए। 50 ml को आप यहाँ पे देखो, 50 ml लेना है आपने, 50 ml को फ्लास्क में पुटअप करना है। आप ये 50 ml मैंने ले लिया। अब 50 ml को मैंने क्या करना है, फ्लास्क में लेना है, मैंने फ्लास्क में ले लिया। अब इसको क्या करूँगा, मैं टाइट्रेट करूँगा किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो सोडियम थायोसल्फेट को मैंने ब्यूरेट में डाल दिया। आई हैव पुट सोडियम थायोसल्फेट इन द ब्यूरेट। अब ब्यूरेट में डालने के बाद जो वहाँ से हमने 50 ml लिया उसको हम टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो यहाँ पे देखो सोडियम थायोसल्फेट के साथ, सोडियम थायोसल्फेट जो था मैंने डाल दिया ब्यूरेट में। अब इसको मैं टाइट्रेट करूँगा, टाइट्रेट करने के लिए आपको जो 50 ml सैंपल जो फ्लास्क में था उसको आने सोडियम थायोसल्फेट के साथ लाना है और उसको टाइट्रेट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइट्रेशन स्टार्ट होगी, फ्लास्क में डाल दिया हमने। अब हम इसको पेल स्ट्रॉ कर देंगे, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, हम पेल स्ट्रॉ कर देंगे। तो ये आपका पेल स्ट्रॉ हो गया।
पेल स्ट्रॉ हो जाएगा, फिर इसमें आपने क्या पुटअप करना है, पेल स्ट्रॉ जब हो जाएगा तो आपने इसमें, आप इसमें मैंने क्या डाल दिया, इंडिकेटर डालना है। कौन सा इंडिकेटर डालेंगे, कौन सा इंडिकेटर डालेंगे, स्टार्च इंडिकेटर। स्टार्च इंडिकेटर क्या करेगा, इसको स्टार्च इंडिकेटर, इसको स्टार्च इंडिकेटर डालने से क्या होगा, फिर इसको टाइटेट करेंगे, थोड़ा सा ब्लू कलर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू कलर आने के बाद इसको हमने कलरलेस करना है। तो यहाँ पे देखो स्टार्च इंडिकेटर डाला, स्टार्च इंडिकेटर डालने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्च इंडिकेटर डाल दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर आएगा, ये देखो ब्लू कलर आ गया। ब्लू कलर आने के बाद फिर इसको हम टाइटेट करेंगे और ब्लू कलर जो है वो डिसअपीयर हो गया। अब ये डिसअपीयरेंस आपकी फाइनल वैल्यू होगी। इसके बाद ये देखो ब्लू कलर आपका आ गया। ब्लू कलर अपीयर होने के बाद इसको फिर टाइटेट करेंगे। टाइटेट करने के बाद ये कलरलेस हो जाएगा, वो आपका फाइनल पॉइंट होगा। अब हम इसको टाइटेट करेंगे दोबारा। इसको टाइट्रेट करने के बाद दोनों कलरलेस हो जाए, इसको टाइट्रेट करेंगे और ये आपका ब्लू कलर जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। ब्लू कलर आपका देखिए, ब्लू कलर कितना अच्छा बना आपका यहाँ पे, लगी है बता करता हूँ। अब ये ब्लू कलर जो होगा डिसअपीयर हो जाएगा। ब्लू कलर जो है देखो यहाँ पे डिसअपीयर हो गया, थोड़ा सा है बस डिसअपीयर हो गया। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी, यहाँ पे इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल आपकी लास्ट वैल्यू होगी। बोलो जो आपकी वैल्यू आई वो आपने यहाँ पे पुटअप करनी है। मान लो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिफरेंस था 5 डिफरेंस था और आपने वॉल्यूम जो लिया वो कितना लिया 50 ml, वो कैलकुलेट करके आपके पास डिसॉल्वड ऑक्सीजन आएगी इज इक्वल टू x मिलीग्राम पर लीटर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जितनी ऑक्सीजन होगी वो मिलीग्राम में आ जाएगी पर लीटर में। तो ऐसे जो है डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज में यू कैन कैलकुलेट और यू कैन मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्वड ऑक्सीजन in different water bodies. In different water bodies, the concentration of dissolved oxygen is different. So this is about the measurement of dissolved oxygen in a given water body. Thank you. Thank you very much.